वेलकम क्लास टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड एंड फिजिक्स टू. क्लास हम आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसे अभी हमने रिसेंटली थोड़ा सा गला मेरा अभी भी ख़राब है सो प्लीज़ इग्नोर. अभी रीसेंट लेक्चर्स में हमने इफ़ेक्टिव मास इफ़ेक्टिव वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम की. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्रिस्टल के अंदर मौजूद हैं बाउंड हैं उनकी मोशन बाउंड है फ्री टू मूव नहीं है उनकी वेलोसिटी और मास क्या होगा. जाहिर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह का बिहेव भी नहीं करते और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह का मास भी उनका नहीं होता. तो वो जो इफ़ेक्टिव मास था वो हमने कैलकुलेट कर लिया था थ्योरेटिकली. एक फार्मूला हमने बनाया था जिसके थ्रू हम किसी भी कोई भी अपना सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो के बाउंड हो जाते हैं क्रिस्टल किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में और इलेक्ट्रॉन्स का हम मास मालूम कर सकते हैं. अच्छा आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जो इफ़ेक्टिव मास है उसको हमने एक्सपेरिमेंटली कैसे मैयर करना है. और इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस कहते हैं और इसको हम आज स्टडी करते हैं. और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दे देती हूँ हिंट कि इसमें हमने करना क्या है. साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस जैसे कि नाम से ही साइक्लोट्रॉन क्योंकि एक इक्विपमेंट होता है एक्सीलेटर होता है पार्टिकल एक्सीलेटर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करवाते हैं. और यहाँ पे स्पेशली हमने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाना है टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब मैग्नेटिक फील्ड जब भी आप अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के ऊपर तो क्या होगा हमें पता है कि वो ऑर्बिट्स में रोटेट करना शुरू कर देते हैं. तो यही जो इसका मेन थीम है इसे हम कह सकते हैं कि यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई है और उससे हम इफ़ेक्टिव मास भी कैलकुलेट करेंगे. और इफ़ेक्टिव मास कैलकुलेट करने से पहले अब देखें जब भी इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे अराउंड द किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. उसके बाद हम दैट वुड बी वेरी इजी टू डिटरमिन द इफ़ेक्टिव मास. सो अभी हम यही सपोज करते हैं कि When a steady uniform magnetic field is applied to a crystal, an electronic state moves through the K space. So, अब क्या होगा कि electrons किसी भी electronic state जो है वो K space में मूव करेगी so that the vector K dot is perpendicular to both the applied field and the velocity of the equation. अच्छा इसमें हमने किया क्या है कुछ भी नहीं किया सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन्स को के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अप्लाई करवाया है और उससे अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की मोशन चेंज हो गई है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन राइट करने लगे हैं. और क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द के स्पेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो फोर्स इक्वेशन ऑफ फोर्स समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखने लगे हैं कि ये जो एच कैट के डॉट लगा देती हूँ मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि ये फोर्स है. और कौन सी फोर्स है वी नो दैट फोर्स किसके बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. तो ये एच कैट के डॉट ये वही मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि चेंज होगा. सो ये एच कैट के से रिप्रेजेंट किया गया है और ये के डॉट जो है ये विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है ठीक है. और उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएगा ये इस तरह से डी के बाई डी टी और दूसरी तरफ आ जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया. और फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे किया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी लिखी है लॉरेंट फोर्स की फॉर्म में प्लस V cross B, but we know that के here we are not going to apply any electric field, so ये zero हो जाएगा. So हमारे पास बचेगा H cat dk over dt, E simple magnetic force की equation बचेगी. और उसके बाद अब electron की velocity crystal के अंदर वो हम मालूम कर चुके हैं V is equal to 1 over H cat d E of K over DK, effective velocity of the electron. और इसके साथ ही अब हम इन को हम इस तरह से मज़ीद लिख सकते हैं. इस equation को मैं लिख सकती हूँ H cat K dot
दूसरी तरफ है ई वी क्रॉस बी, ई वी क्रॉस बी, और इसके साथ ही हम इसको दोनों तरफ एक तो कंपोनेंट्स में की फॉर्म में लिख लेते हैं के वेक्टर को, आई के एक्स आई कैप के एक्स जे कैप के वाई डॉट प्लस के कैप के जी डॉट, और दूसरी तरफ इसको हम कंपोनेंट की फॉर्म में अगर लिखें ई आई क्रॉस प्रोडक्ट को मैं लिख रही हूँ वी एक्स वी वाई वी जी, और बिकॉज वी हैव अप्लाइड ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन सो उसके दोनों कंपोनेंट जीरो होंगे एंड दैट विल एग्जिस्ट ओनली इन जेड डायरेक्शन, तो बी जी कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बी जी इज इक्वल टू बी। अब दोनों तरफ मैं इसको इक्वेट करूँगी आई के एक्स डॉट प्लस जे के वाई डॉट प्लस के कैप के जी डॉट, और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ई को आई थिंक बाहर ही रहना चाहिए आयोटा जीरो माइनस जे कैप एक मिस्टेक हुई है इसको से कर लेती हूँ वी वाई इंटू बी और ये माइनस आएगा सही हो गया अब सो आयोटा ई बी वी वाई माइनस आयोटा आई कैप जे कैप और इसके साथ ई बी वी एक्स, और ये हमारे पास जीरो आएगा के कंपोनेंट। अब मैंने दोनों तरफ क्या करना है इसको इक्वेट कर लेना है दोनों के कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड, सो वी विल गेट एच कैट के एक्स डॉट। अच्छा ये पहले आई वाला कंपोनेंट हम इक्वेट करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास एच कैट एच कैट के एक्स डॉट, इस तरफ क्या है ई बी वी वाई, सो ई बी वी वाई, और अब मैं वी वाई की वैल्यू लिखने लगी हूँ बिकॉज वी मेरे पास मौजूद है, इसका मैं यहाँ से कौन सा कंपोनेंट लूँगी वाई कंपोनेंट, और इसको लिखूँगी वन ओवर एच कैट डी ई ओवर डी के वाई, और इसमें आप देखें कि अब ये किसके बराबर हो जाएगा ई बी वी वाई, या इसको लिख सकते हैं ई बी वाई डॉट, और सिमिलरली एच कैट के वाई को हम इक्वेट करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा आप यहाँ से देख लीजिए माइनस ई बी वी एक्स, और इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ई बी ओवर एच कैट डी ई बाई डी के एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ई बी वी एक्स या माइनस ई बी एक्स डॉट, और सिमिलरली थर्ड कंपोनेंट एच कैट के जी डॉट ये जीरो के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट के अगर ये डेरिवेटिव जीरो के बराबर है तो इट मींस दैट के जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब के स्पेस में जेड कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट होगा, और इसकी रीज़न भी है कि हमने जेड के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ। सो यहाँ तक जो हमारी कैलकुलेशंस हैं दैट सेज
अब हम अगर इन कैलकुलेशंस को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें इस तरह से कि हमें हम क्योंकि फर्मी सरफेस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को फर्मी सरफेस के अराउंड देखना चाह रहे हैं, क्योंकि फर्मी सरफेस क्या है, कांस्टेंट एनर्जी सरफेस है, तो हम कुछ अजम्पशंस यहाँ से निकाल सकते हैं। इफ़ वी ड्रॉ द गिवन कांस्टेंट एनर्जी सरफेस इन द के स्पेस एंड कट इट बाय प्लेन के जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, द लोकस ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द के स्पेस इज सिंपली ए कर्व फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन। अब क्योंकि हम के स्पेस की बात कर रहे हैं और इसमें आप देखिए कि हम अगर उन ऑर्बिट्स की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑर्बिट मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है कि जस्ट इमेजिन द के स्पेस, बल्कि आप इमेजिन करें कि हम के एक्स और के वाई इस प्लेन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स का इसमें हम एक ऑर्बिट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक रफली बनाया भी हुआ है, इसके गिर्द परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है आउट ऑफ द पेज, और यहाँ पर आप देखिए कि डेल्टा के इज द रिंग विड्थ ऑफ द रिंग, और ये एक रफ सरफेस को शो करी है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव रिवॉल्व करेंगे व्हेन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आती, जस्ट उसकी डायरेक्शन में चेंज आती है। तो अब हम क्या मालूम करेंगे कि इसका ये मतलब हुआ, दी ऑर्बिट्स आर दी इंटरसेक्शंस ऑफ द कांस्टेंट एनर्जी सरफेस इन के स्पेस विद प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ये यहाँ पे जो अभी मैंने बात कही है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी की हुई है कि जो ऑर्बिट हैं वो सिर्फ आर दी इंटरसेक्शंस ऑफ द कांस्टेंट एनर्जी सरफेस। कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ द कांस्टेंट एनर्जी सरफेस इन के स्पेस विद प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इन प्लेन्स के साथ जो प्लेन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द फील्ड हैं इनके साथ अगर हम कांस्टेंट एनर्जी सरफेस को जो हमने फर्मी सरफेस कंसीडर किया लेट कॉल इट ए, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो इन ऑर्बिट को डिफाइन करेगा। तो द कंपोनेंट ऑफ के पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट इट्स इनिशियल वैल्यू। सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन, अब जबकि हमें मालूम हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बी अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स सर्कल में सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेंगे रोटेट करेंगे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑफ एक तो ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जितना आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ द एनर्जी बैंड कि जिस एनर्जी बैंड की आप बात कर रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर टू कांस्टेंट एनर्जी सर्फेसिस इन के स्पेस, यहाँ पे मैंने बनाई हैं दो कांस्टेंट एनर्जी सर्फेसिस की बात करते हैं के स्पेस में, दोज आर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर 8.13 में, ऐसी दो एनर्जी सर्फेसिस जो हैं दिखाई गई हैं। ओके अच्छा, अब हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल्टा ई अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। सो अभी हम मैंने कहा था कि एनर्जी कांस्टेंट, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी v equals to 1 over h cat d e of k over d k, ये effective velocity है। और अभी पीछे हमने calculate किया था, या we know that, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि h cat k dot equals to e v b, और यहाँ से v की value आ जाएगी h cat k dot divided by e v, वेलोसिटी की हमें पता है इसके भी बराबर होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है ये एच कैट के डॉट ई बी वन ओवर एच कैट डी ई ऑफ के, इसके भी दोनों के आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम एच कैट के डॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं ई बी और एच कैट डी ई ऑफ के ओवर डी के, तो या हम ये लिख सकते हैं ई बी ओवर एच कैट डेल्टा ई ओवर डेल्टा के। एच
एच कैट, इसको अब के डॉट को मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखने लगी हूँ, डी के विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये आगे दूसरी तरफ ई बी ओवर एच कैट डेल्टा ई ओवर डेल्टा के, डॉट को मैंने खोल के लिखा और कुछ भी नहीं किया। और अब इसका मैं अभी हमने क्योंकि टाइम पीरियड पहले मालूम करना है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, उसके लिए टाइम पीरियड हमें चाहिए। टाइम पीरियड के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्लोज इंटेग्रल ओवर डी के ओवर डी टी ओवर द सरफेस डेल्टा के डी टी, दैट वुड बी इक्वल टू ई बी ओवर एच कैट, दोनों तरफ लेंगे डेल्टा ई ओवर डेल्टा के राउंड द सरफेस डेल्टा की डेल्टा के डी टी, एंड डेल्टा के डी टी डिफाइन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवर द होल पाथ, जिस भी ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं। सो दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे बचता है एच कैट डेल्टा के डी के ई बी ओवर एच कैट डेल्टा ई एंड राउंड इंटेग्रल, डेल्टा ई कांस्टेंट है बाहर आ गया डी टी, और इसको मैं मज़ीद लिख सकती हूँ, देखें ये एच कैट कांस्टेंट है, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये एक सरफेस एरिया बनेगा डेल्टा ए, और दूसरी तरफ ई बी ओवर एच कैट डेल्टा ई, और अब ये जो टी आ गया टोटल टाइम टोटल टाइम ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, तो ये टी बनेगा, इसको टाइम पीरियड भी हम कहते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल टी के बराबर लिखा है। और जो एरिया है डेल्टा ए, ये किस डेल्टा के डी के, ये वो अभी मैंने बताया था कि जो रिंग्स बनेंगे उनका दरमियानी इलाका जो होगा सारा, वो सारी सरफेस एरिया रिंग्स के दरमियानी इलाके का बनेगा, तो यहाँ हम एरिया ऑफ द ऑर्बिट भी कह लें, सेफली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें मूव कर रहा हुआ होगा। तो यहाँ से अब हम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट टी विल बी इक्वल टू डेल्टा ए ओवर डेल्टा ई, डेल्टा ए ओवर डेल्टा ई, डेल्टा ए ओवर डेल्टा ई एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई बी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ चुका है, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इसको मैं निकाल के एक साइड पे रख लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद नाउ इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से वी नो दैट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π/T, 2π, और टी की वैल्यू पुट करेंगे ई बी ओवर एच कैट स्क्वायर और डेल्टा ए ओवर डेल्टा ई होल इनवर्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास सो फार एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ चुकी है। और अगर हम कॉन्स्टेंट इनर्जी कर्व की बात करें जो हमारे पास मौजूद थी, तो वो एच कैट स्क्वेयर के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m² के बराबर होगी। इफ़ दी कॉन्स्टेंट इनर्जी सर्फेसिज आर स्फेयर, अगर अब हम कंसिडर करते हैं कि वो रिंग्स की फॉर्म में नहीं है बल्कि वो पूरी कॉन्स्टेंट इनर्जी सर्फेस ऐसे ऐसे मतलब इनर्जी लेवल्स को उसने एक स्फीयर की तरह ढका हुआ है, तो उसके अंदर जो है ये एक पूरा इनर्जी स्फीयर होगा और इसकी अपनी इनर्जी कॉन्स्टेंट होगी, और यहाँ पर मैंने डिफाइन की हुई है। उसके अंदर जो ऑर्बिट्स होंगे वो सर्कुलर होंगे और उनका एरिया हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू पाई के स्क्वायर, या हम ये लिख सकते हैं यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2m² E डिवाइडेड बाय h कैट स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई k स्क्वायर 2π, पाई k स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूँगी, m² E ओवर एच कैट स्क्वायर। और इसके बाद अब हम नॉट्स ईजी टू कैलकुलेट डी ए ओवर डी ई, यहाँ से हम ले लेंगे 2π m² ओवर एच कैट स्क्वायर, और अब इसके बाद ये डी ए ओवर डी ई की वैल्यू आ गई है, इसको हम डी ए ओवर यहाँ पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 2π E B
ओवर एच कैट स्क्वायर टू पाई एम स्टार डिवाइडेड बाई एच कैट स्क्वायर, और ये इनवर्स, ये इसी डी ए और डी ई की वैल्यू आ गई है। और इसमें आप देख लें कि हम ये टू पाई से टू पाई कैंसिल, एच कैट स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा ई बी ओवर एम स्टार ओमेगा की वैल्यू, और ये ई बी एम स्टार तीनों चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं तो ये कॉन्स्टेंट है। दस थ्योरेटिकली दी साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, इसका ये मतलब हुआ कि थ्योरेटिकली तो ये प्रूफ हो गया, दी साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी इज द सेम फॉर ऑल दी ऑर्बिट्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाउएवर नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू, एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए ये डिफरेंट होती है। बट ये है कि अब हम यहाँ से वी आर एबल टू कैलकुलेट द साइक्लोट्रॉन मास दैट इज़ एम स्टार, और फ्रॉम इक्वेशन 8.95 देखिए, ये इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं एम स्टार ये किसके बराबर हो जाएगा, एच कैट स्क्वायर ओवर टू पाई डी ए ओवर डी ई। सो अगर बट इफ़ वी नो द ऑर्बिट्स ऑफ द, अब यहाँ से हमें यही मालूम हो पड़ता है कि इफ़ वी नो द ऑर्बिट्स ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स दैन वी कैन ईजीली फाइंड द इफेक्टिव मैस ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका मतलब है कि साइक्लोट्रॉन जो है ये हेल्पफुल है हमारे लिए, यहाँ से हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बाद ईजीली हम इफेक्टिव मैस ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स जो के बाउंड हैं क्रिस्टल्स में उनका मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक।